बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जो रातों रात स्टार बन गई और गायब भी हो गई। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ऐसा ही एक नाम है। आपको याद होगा सलमान खान की हिट फिल्म करण अर्जुन, उनकी गर्लफ्रेंड का किरदार निभाते नजर आई थी ममता कुलकर्णी। तब यह कहा जाने लगा था कि वह आगामी सुपरस्टार बनेंगी, लेकिन अचानक ममता ने शादी कर ली और फिल्मों से दूरी बना ली। ममता इंडस्ट्री में क्यों और कहां गायब हो गई, आइए आपको बताते हैं। ममता कुलकर्णी ने अक्षय कुमार की फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी में भी शानदार अभिनय किया था। कम समय में उन्होंने इंडस्ट्री में शानदार पहचान बना ली थी। हर फिल्म निर्देशक उनके साथ काम करना चाहता था। ममता के बॉलीवुड से दूरी बनाने का कारण है उनके पति विक्की गोस्वामी। अपने हमसफर के रूप में ममता कुलकर्णी ने ड्रग्स माफिया विक्की गोस्वामी को चुना था, जो उनके लिए महंगा साबित हुआ। विक्की गोस्वामी ड्रग्स रखने के आरोप में जेल भी जा चुके हैं। ममता कुलकर्णी के ऊपर भी कई बार ड्रग्स रखने के आरोप लगे, इस वजह से उन्होंने धीरे धीरे फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। आज ममता 49 वर्ष की हो गई है और उनको पहचानना भी मुश्किल हो गया है।